तो आज का टॉपिक है अपना डायमंड। ठीक है, ये अपना फोर्थ पावर पैटर्न है, डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या होता है वो तुमको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, डायमंड क्या है? डायमंड है चीटर ऑफ पॉटिंग, चीटर ऑफ कॉसी मोडो। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, कॉसी मोडो को भी चीट करता है। ठीक है, अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे। ठीक है, सबसे पहले रूल ऐसा है कि ये कोई एक हायर टाइम फ्रेम पे, ऐसा समझो डाउन ट्रेंड हो रहा है, मतलब अपन सबसे पहले सप्लाई वाला डायमंड देखेंगे, प्राइस यहाँ से ऐसा कुछ किया है और फिर यहाँ से पलटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बस। ठीक है, ये तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर परफेक्ट वाला होना चाहिए मोमेंटम कैंडल के साथ में। ठीक है, वो टाइम पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे कोई एक सप्लाई जोन रहेगा, जैसे कि ये एरिया होगा यहाँ पे तुम्हारा सप्लाई जोन है। ठीक है, अपन सबसे पहले कौन सा डायमंड देख रहे हैं वो भी अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ये है अपना सबसे पहले सप्लाई वाला डायमंड। ठीक है, अपन डायमंड देख रहे हैं सप्लाई वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कंडीशंस अपन लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले डाउन ट्रेंड अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसमें तुमको यहाँ पे कहीं पे और यहाँ पे एक अच्छा सा सप्लाई का जोन मिला है, मतलब तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे तुमको सप्लाई का जोन मिला है, तो जब भी कभी प्राइस यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट पे जाएगा तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, कंफर्म लो चाहिए कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कंफर्म लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में जब प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनेगा कॉफी मोड। ये हाई बन गया, ये लो बन गया, ये वाला लो, फिर एक और हायर हाई बन गया, और फिर यहाँ पे लोअर लो बन गया। ठीक है ना, तुमको बहुत बार ऐसा देखने मिलेगा कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में भी ये जोन टूट जाता है। ठीक है, अब तुमने क्या सोच कर रखा है कि प्राइस ये वाले एरिया से पलटेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्रीन राइट बंद कर देता हूँ। ये तुम्हारा कॉफी मोड है। ठीक है, यहाँ पे भी कभी कभी जोन बनता है, हमने ये दोनों जोन बना के रखे। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ करेक्टर बना है, बहुत लोग बनाते हैं ना चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे ये हो जाता है फेस वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लूँगा, बाद में अपन एक साथ में देख लेंगे इसको क्या होता है, ये फेक वाला बनेगा। चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये फेस चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। कंडीशन क्या है, यहाँ पे बनेगा बेस कैंडल। ठीक है, बेस कैंडल बन जाएगा तब ये फेस चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं मिलेगा चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के लिए कोई एरिया नहीं रहेगा, तो ये फेस चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे ऊपर वाले इन दोनों जोन को तोड़ देगा। ठीक है, जोन को तोड़ देगा धीरे धीरे ऊपर जा जाके। ये तुम यहाँ पे ट्रेड लिए ही नहीं है ना, यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे ही नहीं ऐसे कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, प्राइस यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तुम्हारे बार बार यहाँ पे सब सोचो कि सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर मिला, ब्रेक ऑफ करेक्टर मिला, कंटिन्यूशन ऑफ करेक्टर मिला, फिर चेंज ऑफ करेक्टर मिला, फिर या तो फिर से इसका कंटिन्यूशन ऑफ करेक्टर मिला, कुछ देर के बाद में कंटिन्यूशन ऑफ करेक्टर बार बार मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे बेस कैंडल बनेगा प्राइस यहाँ से, ठीक है, प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे जो बेस कैंडल बनी रहेगी उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक किया, ठीक है, इसके बाद में तुमको यहाँ पे जो कोई भी है बेस कैंडल भी है उसको तो इसने मोमेंटम कैंडल में तोड़ दिया है ना, बेस कैंडल तो इसने मोमेंटम कैंडल में तोड़ दिया, तो
उसी बेस कैंडल के रिप्लेसमेंट पे लेना है फिर, या तो बेस कैंडल पे आएगा रिप्लेसमेंट, फिर यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्राइस गिर जाएगा। तो तुमको टारगेट कहाँ तक के लेना है, टारगेट तुमको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के जितना एक डिस्टेंस होता है वाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जितना भी डिस्टेंस होगा वाई का, है ना, यहाँ से यहाँ तक के एक डिस्टेंस हो जाएगा वाई, तुमको यहाँ तक के जो डिस्टेंस मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करने का है 4/3 से, मतलब जो तुम्हारा टारगेट होने वाला है जेड, ये बनेगा सॉरी इक्वल टू का साइन 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वन, मतलब तुम्हारा ये टारगेट यहाँ तक के नहीं आएगा, इतना नीचे नहीं आएगा, ये यहाँ तक के वगैरह कुछ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक के तुमको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायमंड, जबकि ये क्वासिमोडो बीच में बनता है इसके नीचे में, और ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया डायमंड कैसे बनता है, डाउन ट्रेंड में बनेगा और कंडीशन इसकी ऐसी रहेगी, और तुम्हारा जो जेड तुमने रिसर्च करके रखा है वो यहाँ पे कहीं पे कभी तुम्हारा टारगेट इशू हो जाएगा। समझ में आ गया डायमंड क्या होता है, समझ में आया क्या, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अप ट्रेंड वाला डायमंड देखते हैं, मतलब ये तो सप्लाई वाला हो गया, अप ट्रेंड में क्या बनेगा डिमांड वाला, ठीक है, तो ये अपन हेडिंग जो है ऊपर ले लेंगे, ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी, ये बनेगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड, और ये हो जाएगा डिमांड, ठीक है, डिमांड का कॉसी मोडो, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डिमांड का कॉसी मोडो बनेगा, ठीक है, ये लो हाई लो हायर हाई, ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे जो दोनों जोन रहेंगे, यहाँ समझो एक जोन भी रहा वो ब्रेक हो जाएगा एकदम धीरे धीरे, बहुत सारे बेस स्टैंडर्ड बनाने के बाद में, फिर प्राइस क्या करेगा यहाँ पे जैसे ही ये डिमांड जोन को टच करेगा हायर टाइम फ्रेम के, ठीक है, वहाँ से प्राइस रिवर्स लेगा, और जो लास्ट बेस कैंडल यहाँ पे बनी है उसको ब्रेक जैसे ही करेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहाँ पे रिट्रेसमेंट देगा और वहाँ से वो तुम्हारा टारगेट दे देगा, तो तुमको बाय करने का है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करने का है, तुमको स्टॉप लॉस कभी भी ये जोन के नीचे में लगाना है, और सप्लाई में तुम ये वाले जोन के ऊपर में टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई, कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। हाँ तो ये होता है अपना डायमंड, मतलब वो क्या करता है कॉसी मोड़ो को भी चीट कर लेता है, लेकिन कंडीशन तुमको समझने की कि सबसे पहले अगर यहाँ पे फेज चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है तो ही प्राइस यहाँ तक के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रियल चेंज ऑफ करेक्टर आ गया मोमेंटम के साथ में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से नहीं आए और यहाँ से रिवर्स लेके ऊपर चले जाए, ठीक है, समझ में आ गया। अरे यार मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड वाला, अप ट्रेंड वाला मैंने सेव कर लिया है, ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड वाला, और ये हो जाएगा सप्लाई, ठीक है। मैं इसका एक फोटो सेव करके तुमको सेंड कर देता हूँ, और फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँगा मैं सेव करके।